guys, welcome or welcome back to my channel. It's me Sakshi. I hope you all are doing well. तो जैसे कि आपको पता चल गया होगा थंबनेल से, तो मैं आपके साथ आज ये वाला लुक शेयर करने वाली हूँ. ये बहुत इजी सा, एकदम सिंपल और ग्लैमरस सा लुक है. जैसे कि आपको दिख रहा है कि बहुत ग्लैमरस लुक है, और ये मैंने कुछ ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करने का ट्राई किया है. आई होप आपको अच्छा लगे. अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा. मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का आर्गन गोल्डन लीफ ऑयल, और अच्छे से मैं इसको अप्लाई कर लूंगी और मसाज कर लूंगी. और अपने ओपन पोर्स को क्लोज करने के लिए मैं यूज करूंगी वेट एंड वाइल्ड का मैट प्राइमर. और ये एक मैटिफाइंग प्राइमर है, इसे आपके ओपन पोर्स क्लोज हो जाते हैं, आपको एक मैटिफाइंग लुक देता है ये. और अपने आई शेडो बेस के लिए मैं अप्लाई करूंगी एनवाइक्स का आई शेडो बेस, और इसको मैं पाउडर से सेट करूंगी. आपको हमेशा अपना आई शेडो बेस को पाउडर से सेट करना चाहिए, जिससे कि आपके आईब्रोज जो आपके आईलेट पर आप कलर अप्लाई कर रहे हो वो क्रीज ना करे. और आईब्रोज को मैं फिल इन कर लूँगी एक डार्क ब्राउन शेड से, और उसके बाद मैं ये शेड लेके अच्छे से अपने क्रीज को डिफाइन करूँगी. हमेशा आपको अपने क्रीज में लाइट कलर का शेड अप्लाई करना चाहिए, उससे डिफाइन करनी चाहिए आपको अपनी क्रीज. और अपने आउटर कॉर्नर पे हमेशा डार्क कलर अप्लाई करना चाहिए अगर आप कुछ ऐसा लुक क्रिएट कर रहे हो तो. यहाँ पर मैंने डार्क ब्राउन शेड लेके उसको अपने आउटर वी पे फोकस करा है, उसको ब्लेंड करा है, और उसके बाकी की क्रीज पे मैं अप्लाई करूँगी गोल्डन शेड और मैं फिंगर के हेल्प से अप्लाई करूँगी. और उसके बाद मैं लाइनर के लिए ले रही हूँ एलईडी का लाइनर. यहाँ मैं विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा लाइनर पसंद है. आपको जैसा लाइनर पसंद है आप वैसा लाइनर ड्रॉ कर सकते हो. और लाइनर के बाद मैं अपने लैशेस को कर्ल करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा. और फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटोफोकस फाउंडेशन. बहुत ऑसम फाउंडेशन है, फुल कवरेज देता है, बहुत अफोर्डेबल भी है. और इसका रिव्यू मैं कर चुकी हूँ, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट का रिव्यू कर चुकी हूँ जो मैं आज प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उनमें से. तो आपको सारे प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप रिव्यू चेकआउट कर सकते हो. तो अच्छे से मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद मैं पाउडर से सेट करूँगी. हमेशा आपको अपने फाउंडेशन को पाउडर से सेट करना चाहिए, वरना वो मेल्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा बेकार लगता है. तो मैं अपने पूरे फेस को पाउडर से सेट कर लूँगी, और आप मेरे को करूँगी मैं अपने फेस को कॉन्टोर. और उसके लिए मैं सिवाना कलर्स का ले रही हूँ कॉन्टोर ब्लश पैलेट, और मेरा फेस चबी है तो मैं इसीलिए कॉन्टोर अप्लाई कर रही हूँ. अगर आप नहीं चाहते हो कॉन्टोर अप्लाई करना तो आप इसको स्किप कर सकते हो. तो मैंने अपने हॉलोज ऑफ द चीक्स, अपने जॉ लाइन और लिटिल पे अपने फॉरहेड पे कॉन्टोर किया है, और उसके बाद मैं अपने एबल ऑफ द चीक्स को इस पिंक शेड से कर लूँगी ब्लश. तो ब्लश के लिए ये वाला शेड ले रही हूँ मैं, और अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पे बहुत ही ज़्यादा मैंने फ्लफी ब्रश लिया है अपने ब्लश को अप्लाई करने के लिए. तो जैसे मैंने अप्लाई किया आप भी ऐसे ही अप्लाई करिएगा. और हाइलाइटर के लिए मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का प्रीशियस पैटर्न हाइलाइटर. बहुत ब्लिंगिंग, बहुत ऑसम हाइलाइटर है. इसका भी मैंने रिव्यू करा है और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप कैसा भी मेकअप कर रहे हो, चाहे वो न्यूड है, ग्लैमरस है, ब्राइडल है, आप जितना ज़्यादा अपने मेकअप को ब्लेंड करोगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा मेकअप लगेगा. तो मैं अच्छे से सारी चीज़ों को ब्लेंड आउट करती हूँ. आपको भी ब्लेंड आउट करना है, हाइलाइटर भी अप्लाई कर रहे हो तो भी आप उसको ब्लेंड करिए जिससे कि चंकी पार्टिकल्स ना रहे. और मैं इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी एक पेंसिल ब्रश से, और उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ शुगर का स्मज भी नॉट लिपस्टिक. इसमें मेरा शेड हॉट शॉट है, बहुत ब्राइट पिंक शेड है, तो इसको लाइट करने के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर का. आप किसी भी लिपस्टिक को